सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज देश के सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसके आगे बेबस बताया है। सीजेआई टीएस ठाकुर ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश में राम राज्य आ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट यह आदेश करे कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो तो क्या ऐसा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि देश में कोई अपराध ना हो तो क्या यह हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश करे कि देश भर में फुटपाथ से कब्जे हटाए जाए तो क्या आदेश का पालन हो जाएगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट सब बुराइयों को ठीक नहीं कर सकता, हमारी भी एक सीमा है, सबका इलाज सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका पर की है जिसमें देश भर के फुटपाथ पर हुए कब्जों को हटाने की मांग की गई थी। हालांकि चीफ जस्टिस इसे खारिज करना चाहते थे, लेकिन याचिकाकर्ता की दलीलों के बाद अब सुनवाई फरवरी में होगी। दरअसल वॉइस ऑफ इंडिया नामक संगठन ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि देश भर में फुटपाथों पर अवैध कब्जा है जिसकी वजह से हालात खराब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि लोगों की बात कोर्ट नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और उसका फैसला सर्वोपरि है, लेकिन इसके बावजूद लोग कई बार कोर्ट की अवमानना करते हैं और मुख्य न्यायाधीश के इस बयान से उनकी पीड़ा साफ नजर आती है। देखते रहिए डीबी लाइव।